கொஞ்சம் கொஞ்சம் தமிழ் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இந்தியா இஸ் ஆல்சோ தமிழ் कभी आपने किसी देश का सबसे नॉर्थ में या सबसे आखिरी पेड़ देखा है? नहीं देखा तो भाई मैं दिखाता हूँ। ये देखो भाई, ये भाई श्रीलंका का सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट परुत्तितुरई। परुत्तितुरई तो ये इसका तमिल नेम है। ये जो आपको दिख रहा है ये सारा नाले का एरिया है, और देखो ये नाले का पानी यहाँ पर आ रहा है, और यही वाला पानी आपको समुद्र के अंदर देखने को मिलेगा। दो तमिल एक दूसरे से बात कर रहे हैं, मेरे को कुछ समझ में तो आ नहीं रही, क्या ही सीन है। हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो के अंदर। सुबह अभी फिलहाल 10 बज गए हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं पॉइंट पेद्रो की तरफ, और अभी फिलहाल हम जाफना शहर के अंदर है। जाफना शहर श्रीलंका का नदर मोस्ट सबसे बड़ा शहर और कैपिटल सिटी है नदर प्रोविंस की। तो मैं यहाँ पर पिछले 5 दिन से यहीं पर ही हूँ भाई, मस्त चिल कर रहा हूँ, वीडियोज एडिट करके डाल रहा हूँ। और 24 तारीख की मेरी इंडिया की फ्लाइट है, आज 20 हो गई है, 15 से 20 और 20-21 हो गई है शायद, आज मेरा देखा नहीं डेट वगैरह। बट आज हम लोग जाएंगे पॉइंट पेद्रो देखने के लिए, जो कि श्रीलंका आइलैंड है, जो उसका सबसे नदर्न मोस्ट पॉइंट है। इंडिया में रह के भाई इंडिया का सबसे नदर्न पॉइंट तो हमने देखा नहीं, लेकिन श्रीलंका में ज़रूर देखेंगे। बाकी ये मेरा कुछ ऐसा हॉस्टल था यहाँ पर, यार्ल हॉस्टल है, और अभी बस का थोड़ा टाइमिंग वगैरह चेक कर रहे हैं। ये इधर भाई ऐसा कुछ है, इसके अंदर काफ़ी मतलब आप खाना वाना बना सकते हो अगर आप लेके आओगे बाहर से तो। और इसका मेरे को फेयर पड़ा भाई 6000 रुपये दिया मैंने, अपना कितने दिन के लिए, 4 दिन के लिए 6000 श्रीलंकन, जो कि 1500 रुपये इंडिया का होता है, जिसके अंदर आपका ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है, टी या कॉफ़ी मिलती है, और फिर उसके बाद अपना इधर एक जिम टाइप का भी है, वो भी इंक्लूडेड है। अभी हम लोग चलते हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कौन सी बस कहाँ जाएगी। 10 बज गए हैं और भाई बाहर की चहल पहल देखो, इसमें आपको ऐसा लगेगा कि कोई चहल पहल है ही नहीं है इधर शहर के अंदर। इधर पॉपुलेशन ही ऑलमोस्ट 90,000 के आसपास है, और इक्का दुक्का गाड़ियाँ देखने को मिलती है। बाकी इस साइड जाओगे तो मेन स्ट्रीट और मेन मार्केट आपको इसी साइड मिलेगी। अभी हम लोग जा रहे हैं बस स्टैंड की तरफ, और ये कुछ यहाँ पर हार्डवेयर की शॉप्स वगैरह हैं। और ये इधर की साइड देखोगे आप अगर मेरे राइट साइड में, तो ये है भाई इधर का पेट्रोल पंप। और अभी हम लोग जा रहे हैं बस स्टैंड के लिए, बस स्टैंड आई थिंक इस साइड से है, और पहुँचते हैं भाई बस स्टैंड। बस स्टैंड पर हमको कोई आइडिया नहीं है, और ये भाई साहब हमको ज्वाइन किए हैं, और आपका नाम क्या? जोधपुर भाई ने। चलो यहाँ से क्रॉस करते हैं, आया सिमिलर है अपने इंडिया जैसा ही है बिल्कुल। ये वैगनार आ गई क्या? सो भाई जाफना का बस स्टैंड कुछ मतलब उस एरिया ऐसा दिखता है जाफना का, अभी बस स्टैंड मेन तो दिख नहीं रहा यार कहीं पर यहाँ पर, बट ऐसा कुछ है। 4-5 बसेस इधर खड़ी हुई है नीले कलर की, नीले कलर की बसेस प्राइवेट रहती हैं ज़्यादातर, मैंने आपको पहले भी बताया है, और रेड कलर की आपको बहुत सस्ती पड़ेगी। रेड कलर की जो है वो गवर्नमेंट ऑपरेट करती है, और ये है जो ये प्राइवेट है। और एक एसी बस होती है, और वो उसका तो भाई उसका बहुत ज़्यादा चार्ज रहता है ना, उसका समझ लो डबल से ट्रिपल चार्ज रहेगा आपका। तो भाई ऐसा कुछ यहाँ पर मिनी बस ली है हमने, और ये देखो भाई इधर का बस स्टैंड थोड़ा इधर की साइड था, हम लोग गलत ही जा रहे थे, हाँ सॉरी इस तरफ था, ये रहा भाई बस स्टैंड है जाफना का, और मैं भाई गलत ही साइड को देख रहा था, मैं सोची इधर है बस स्टैंड ना, क्योंकि भाई साहब बता रहे थे कि ये हो सकता है, मैं भी स्लो स्लो में निकल गया। और अभी देखो यहाँ का थोड़ा सा चहल पहल दिखाता हूँ कैसी है शहर की, अभी आपको सही देखने को मिलेगा कि इतने दिन बाद अब देखने को मिली है चहल पहल, क्योंकि मैं निकला ही मेरे को लग रहा है यहाँ पर मैं पहली बार आया हूँ। जिस दिन मैं आया था उस दिन चहल पहल देखने को मिली थी, और आज देखने को मिली है। वीडियो बनाता हूँ तो चहल पहल गायब क्यों हो जाती है? वीडियो बनाते वक्त चहल पहल गायब। बस यहाँ पर अब ऑटो ऑटो दिख रहे हैं भाई, डेवलप्ड भी काफी है ना जो श्रीलंका का नॉर्दर्न पार्ट है। सो भाई पॉइंट पेद्रो के पास पहुंच गए हैं, और इसका जो बस का फेयर था वो 200 रुपये लगा कुछ, ऐसी कुछ बस थी भाई हमारी, ये मिनी बस है ये देखो, ऐसी कुछ है ये इधर का बस स्टैंड टाइप का ही है कुछ, सामने सारी छोटी मोटी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, छोटी मोटी क्या मिनी बसेज हैं। और अभी हम लोग चलते हैं यहाँ से, पहले डिसाइड करते हैं कि कहाँ पर जाना है, क्योंकि अभी हमारा कुछ इधर प्लान नहीं है, और इंटरनेट वगैरह यार जो इंटरनेट है वो ख़त्म है, ना मेरे पास है ना भाई के पास है, तो हमको पहले डिसाइड करना है कि पहले नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जाएँ। एक इधर नॉर्दर्न मोस्ट पोस्ट ऑफिस भी है, और एक यहाँ पर लाइट हाउस भी है, तो देखते हैं अभी कहाँ पर जाना है। बाकी कुछ ऐसा दिखता है इधर का एरिया, और ये भाई ऐसा है यार खाली, और इससे पहले जो छोटा सा एक टाउन पड़ा था वो काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ था,
और ये वाला टाउन है बिल्कुल खाली रखा हुआ है। कहने को ये मेन है, बस यहाँ पर आइए लास्ट में ना, बट ये खाली है। मेरी बारी पे हर शहर खाली दिखते हैं। सो भाई अभी फाइनली जो हमारा डिसाइड हुआ है वो हम लोग अभी जा रहे हैं लाइट हाउस। लाइट हाउस के बगल में ही जो यहाँ का सबसे नर्दर्न मोस्ट पोस्ट ऑफिस है वहाँ पर जा रहे हैं। और जैसे अपने इंडिया के अंदर आपने देखा होगा सबसे हाईएस्ट जो पोस्ट ऑफिस है वो आपको लेह लद्दाख, लेह या लद्दाख जो है अपना उसके अंदर टेरिटरी के अंदर मिलेगा। बट यहाँ का जो श्रीलंका आइलैंड है, जो एक आइलैंड है जो कि इंडियन ओशन के बीचों बीच बसा हुआ है, इसके सबसे नॉर्दर्न पार्ट यानी कि सबसे उत्तरी पार्ट के अंदर अभी हम लोग हैं। सामने अगर देखोगे तो ये मेरे इंडियन ओशन आ गया। और आप लोग इससे ऐसा अंदाज़ा लगा सकते हो कि अभी हम रामेश्वरम से काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, मतलब पौंडीचेरी है उसके लेवल पर अभी हमारी मतलब जो हाइट है। ये श्रीलंका का नदन मोस्ट पॉइंट है, वहाँ पर जा रहे हैं। और ये देखोगे तो सामने लिखा हुआ है पॉइंट पेड्रो लाइट हाउस। तो अभी हम लोग इस साइड चलते हैं, आ जाओ। और यहाँ पर भाई काफ़ी पुरानी पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है, ऐसा लग रहा है जैसे ये भी डच टाइम की हो, बट हु नोस क्या कौन से ज़माने की है भाई ये बिल्डिंग। अच्छा भाई पीछे मेरी आर्मी भी खड़ी हुई है, मैंने देखा नहीं। इधर घर वगैरह भी काफ़ी पुराने पुराने से हैं। ओ वाह, ओ भाई इधर मच्छी सूख रही, जैसे मैंने आपको उधर दिखाया था फिश मार्केट में, सेम वैसे ही सीन इधर भी चल रहा है। इधर साउथ इंडिया में भी काफ़ी सुखा के खाते हैं और इधर की साइड श्रीलंका में भी ऐसे ही खाते हैं। पर हमने जो अपन जो खाते हैं जो नॉर्थ इंडिया हो गया, यहाँ वहाँ पर तो अपन नॉर्मल खाते हैं, जैसे उसमें से निकाली नदी नदी में से। तो ओ भाई इधर लाइन कितनी लगी हुई है पेट्रोल के लिए, यहाँ पर क्राइसिस तो अभी भी इनकी ख़त्म नहीं हुई मेरे को लग रहा, अभी भी इनका ऐसा ही है सीन जो चल रहा है। लाइन देखो भाई कितनी तगड़ी लगी हुई है इनकी पंप के ऊपर, क्या पता एक पंप हो तो इसलिए लगा हो, क्योंकि ऐसी लाइन मैंने तो नहीं देखी अभी तक, कोलंबो साइड में भी इतनी नहीं देखी और जितनी शहर मैंने घूमे श्रीलंका में, क्योंकि ये मेरा लास्ट शहर है। हफ्ते के लिए मतलब 20 लीटर का पेट्रोल अलाउड है। अच्छा, एक बंदे के लिए। ये बाइक वालों के लिए तो 5 है सर। हाँ, बाइक वालों के लिए 5 है और गाड़ी वालों के लिए 20 लीटर। हाँ, ये लोग फिर जो बाइक वाले हैं रोज ले लेते हैं, फिर बाद में क्यूआर कोड में रहता है, तो क्यूआर कोड में वो लोग का फिक्स्ड है। चलो भाई अपने इंडिया में तो अपन खुश नसीब है कि अपन को तेल तो कम से कम मिल रहा है बाइक में डलाने के लिए, इनके पास तो वो भी नहीं है भाई, लाइन लगा रहे हैं तगड़ी तगड़ी। और ये लोग फिर ब्लैक में सेल भी कर देते हैं ना, ब्लैक में करते हैं। हाँ, फिर जैसे रोज बाइक वालों को रोज 5 लीटर अलाउड है तो वो रोज आके ले लेगा, बाइक वाला जाएगा तो कहीं पर है नहीं तो वो क्या करता है फिर ब्लैक में उसको बेच देता है। समुद्र के अंदर नहाने को जगह तो मिलेगी, फिर उसमें डुबकी लगा लेते हैं। ये भी काफ़ी पुराना है, ये पता नहीं क्या है, चर्च लग रहा है मेरे को तो। नहीं नहीं, ये घर है ये। ओ भाई साहब काफ़ी पुराना बना हुआ है। पोर्ट एरिया के पास ना काफ़ी ऐसा आपको आर्किटेक्चर, इंडिया के अंदर भी आर्किटेक्चर ऐसा देखने को मिल जाएगा जो कि खंडर से पड़े रहते हैं। सो भाई पॉइंट पेड्रो के अभी हम लोग काइंड ऑफ अ बीच पर ही है, बट यहाँ पर कोई मतलब फन एक्टिविटीज़ तो नहीं है, यहाँ पर ज़्यादातर फिशरमैन्स ही है यानी कि मच्छी पकड़ने वाले। और बोट्स देखो ये सारी की सारी मच्छी पकड़ने के लिए खड़ी हुई हैं इधर, जितनी भी आपको दूर तक नज़र जा रही है, जितनी आपकी जा रही नज़र सारे के सारे भाई यही हैं। और ये अपना इंडियन ओशन आ गया, जो कि यहाँ से सीधे चले जाओगे तो इंडिया शुरू होगा लेकिन कोलकाता या विशाखापट्टनम की साइड से, बट ऐसा कुछ सीन है। हेलो, बढ़िया बढ़िया, हिंदी आती है आपको समझ? हाँ, कुंजुम कुंजुम तमिल कुंजुम कुंजुम इंडिया इज ऑल्सो तमिल इंडियन तमिल। हाँ, सुबह अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से लाइट हाउस के लिए। लाइट हाउस थोड़ा सा टाइम लगेगा और इस शहर का नाम नहीं, अरे भाई साहब से सुन लो क्या था, परुत्तितुरई। हाँ, तो ये इसका तमिल नेम है और जो यहाँ पर जो अपन जैसे लोग हैं जो फॉरेनर आते हैं उनके लिए पॉइंट पेड्रो ही है। पॉइंट पेड्रो बोलो, चढ़ जाओ बस में, उस पे भी पॉइंट पेड्रो ही लिखा था बस पे। हाँ, बस पे लिखा रहता है। यहाँ पर भी देखो कितनी सारी मच्छियाँ को फाड़ फाड़ के सुखाने के लिए डाल रखा है। और यहाँ पर कुछ ऐसे घर हैं भाई जो समुद्र के किनारे हैं। जाफना बेसिकली एक जाफना जो शहर है वो जाफना पेनिनसुला के अंदर, नहीं नहीं पेनिनसुला है ना ये जाफना का, ओ जाफना का नहीं पेनिनसुला पे बसा हुआ है ये पूरा का पूरा, ये मेन लैंड से कट है पूरा का पूरा एरिया। आप जब वहाँ से कनेक्टेड तो है, बट अगर आप लोग देखोगे उसको मैप को देखोगे ना तो उसमें इसका ये पेनिनसुला टाइप का है ये पूरा। हाँ, तीनों साइड मतलब पानी से घिरा हुआ है। हाँ, तीन साइड से पानी से घिरा हुआ है ना ये।
तो ऐसा है भाई, पेनिनसुला मतलब छोटा सा पार्ट उसका मेन लैंड से कनेक्टेड है, बाकी सारा ये समुद्र के बीच में, तीनों साइड से इसमें समुद्र लगता है। और की तरह भी है, इंडिया भी तो पेनिनसुला है। हाँ, इसका जो नीचे वाला एरिया उसको पेनिनसुला लोग बोल देते हैं। तीन साइड कनेक्टेड है ना पानी के साथ, है साउदर्न साइड हो गया, ईस्टर्न साइड हो गया, वेस्टर्न साइड हो गया, सिर्फ नॉर्दर्न पार्ट जमीन के साथ है। इंडिया भी पेनिनसुला कहा जाता है। हाँ, तो अपना ये वाला जो एरिया है जाफना का, ये भी पेनिनसुला के ऊपर ही बसा हुआ है। मैंने सोचा ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट है तो आपको बता दिया जाए, कि आप सोचो कि मेन लैंड से जुड़ा तो हुआ है लेकिन बहुत छोटे से दायरे में जुड़ा हुआ है। ये जो आपको दिख रहा है ये सारा नाले का एरिया है, और देखो ये नाले का पानी यहाँ पर आ रहा है, और यही वाला पानी आपको समुद्र के अंदर देखने को मिलेगा, उसी के अंदर हम लोग डुबकियाँ लगाएंगे और उसके अंदर अभी हम लोग नहाएंगे। बट क्या ही फ़र्क पड़ता होगा ना, इतना बड़ा विशाल महासागर इंडियन ओशन है, उसमें इतना सा एक नाले का पानी जा रहा है तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा, उसमें क्या ही बैक्टीरिया है। मतलब मैं तो दिखा दिया मैंने ऐसा, मैंने तो ये नाले का समुद्र के साथ पहली बार ऐसे वो देखा है, जुड़ाव सा ऐसे एकदम से मिलता हुआ। नदी भी देखी है मैंने और ये नाले का पहली बार देखा है। सो भाई ये आया है यहाँ पर चर्च, और यहाँ पर क्रिश्चियनिटी पॉपुलेशन भी होगी इसलिए चर्च है ना। तो ये भाई चर्च है यहाँ का पॉइंट पेद्रो का, मेरे को सबसे बड़ा यही लगा, बट और भी हो सकते हैं। बट यहाँ पर जो बीच के जैसे सामने इंडियन ओशन है, और ये यहाँ पर है भाई अपना चर्च। भाई अभी हम लोग लाइट हाउस की तरफ जा रहे थे, और मेरे को भाई रास्ते में जाते जाते एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ देखने को मिली। कभी आपने किसी देश का सबसे नॉर्थ में या सबसे आखिरी पेड़ देखा है? नहीं देखा तो भाई मैं दिखाता हूँ। ये मेरे पीछे देख रहे हो आप, ये पाम ट्री है जो कि श्रीलंका का सबसे आखिरी पेड़ है, और ये देखो भाई इसका श्रीलंका का मैप बना हुआ है। अभी हम लोग रेड वाले पार्ट में है, जो रेड पार्ट है वो प्रोविंस है, प्रोविंस इंडिया की जैसे स्टेट होती है वैसे ही है। और ये पाम पोल लिखा हुआ है, और ये पढ़ो पहले क्या लिखा हुआ है, नॉर्दर्न पाम पोल, ये रहा भाई पाम पोल, और पॉइंट पेद्रो जगह का नाम है, और श्रीलंका कंट्री का नाम है। और भाई ये इसका नक्शा बना हुआ है श्रीलंका का, तो इसमें दर्शाया गया है, अगर आप ऊपर देखोगे तो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट यहाँ पर कहाँ है, ये रहा, ये है भाई पेड़ जो कि श्रीलंका का सबसे आखिरी और नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट में, नॉर्दर्न प्रोविंस के अंदर भाई सिचुएटेड है, और जो टाउन का नाम है वो है पॉइंट पेद्रो। देखने कुछ और आए थे, देख कुछ और लिया, ऐसा भी कुछ होता रहता है टाइम टाइम पे, और काफ़ी भाई इंटरेस्टिंग मेरे को चीज़ लगी। और अच्छा भाई यार ये वाला एरिया इधर मस्ट विज़िट करें, क्या पता आपको भी एक ये एक्सपीरियंस अच्छा लगे। मैंने तो आज तक यार कभी आखिरी पेड़ देखा ही नहीं है, क्या आखिरी भी, ये भी कोई एक माइलस्टोन होता है, आखिरी पेड़ एक देश का, अलग ही सीन है भाई इधर तो। चलो देख लिया आपने, और ये भाई देखो आप कितनी दूर है ना ये आखिरी वाला पेड़, ये पेड़ है और 10 मीटर की दूरी पर ही समुद्र लग जाता है ना, ये बीच का एरिया हो गया। तो जी हाँ कुछ ऐसा सीन है यहाँ पर, और ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। और अभी हम लोग चलते हैं, वो सामने आपको दिख रहा होगा, दिख भी रहा है क्या? नहीं दिख रहा, ये देखो ये टावर के पीछे छुपा हुआ है, ये है भाई यहाँ का लाइट हाउस। और अभी हम लोग चलते हैं लाइट हाउस की तरफ, और लाइट हाउस देखते हैं, लाइट हाउस के बगल में ही आपको देखने को मिलेगा जो यहाँ का सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पोस्ट ऑफिस भी है। सो भाई अभी हम लोग इधर बैठे हुए हैं, दो तमिल एक दूसरे से बात कर रहे हैं, मेरे को कुछ समझ में तो आ नहीं रही। और ये इधर अन्ना है जो कुछ ऐसा फिश नेट का है, ये सिस्टम वगैरह है, इसको संभाल रहे हैं, इसमें ऐसे लगा रहे हैं। और तमिल तो मेरे को आती नहीं है, बस कंजुम कंजुम आती है। तो चलते हैं, சும்மா சொல்றாப்ல நீங்க வலையெல்லாம் வந்து ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, ये मतलब इसको सेट कर रहे हैं ना? नहीं नहीं सिल्वर है जो मतलब अच्छा जो काटता है ना, अच्छा उसको सही कर रहे हैं, कट जाता है किधर भी काटा हुआ है वो सब काट के मतलब उन्होंने रिपेयर कर रहे हैं। अच्छा रिपेयर कर रहे हैं, अच्छा भाई इसको थोड़ा सा रिपेयरिंग चल रही है इसकी। चलें क्या फिर? सो भाई ये आ गया इसका एंट्रेंस, और ये सामने आपको दिख रहा होगा इतना ऊंचा सा, ये भाई इधर का लाइट हाउस, और इसकी हिस्ट्री वगैरह तो मेरे को कुछ पता नहीं है, बाकी अंदर चलते हैं अभी। हेलो हेलो। सो अच्छा ये इस टाइम में बना है, द बिल्ट डेट या इट्स स्टार्टेड इन 1931। ओके बट इट इज नॉट मेंटेन। अच्छा ओके, हु कैन कैनॉट गो बिकॉज़ लैडर इज डैमेज। ओके एंड कंक्रीट ट्रैक। ओके ओके, तो ऊपर नहीं जा सकते? नॉट ऑपरेशन, नॉट ऑपरेशन, नॉट ऑपरेशन। ओके, इट इज ओनली इंडिकेट लाइट। ओके, बट हाउ यू पुट द लाइट? मेंटेनेंस ला। हां गोइंग मैन। ओके ओके, ओनली दोस पीपल गो। यस ओके, तो मतलब अपन नहीं जा सकते इसके ऊपर? नहीं, सो वी कांट गो अपसाइड ना।
Okay, so do you know what is the height of this? Height? Oh, I don't know what's the height. Okay. So भाई मेरे को भी इसकी height तो पता नहीं है, but चलो मैं आपको अंदाजे से बताता हूँ. 100 meter कितना होगा ये? 100 foot होगा शायद. 50 meter के आसपास होगा. 50 meter के आसपास इसकी height है. और मेरा नेट चल नहीं रहा तो इसका मैंने इन्फॉर्मेशन निकाली नहीं थी. और ये कुछ इसकी डेट लिखी हुई है शायद, ये भन जिस जब ये बना था ये उस टाइम की है कि ये बनना स्टार्ट हुआ था वो डेट है. हाँ जब स्टार्ट हुआ था तो भाई ये इसकी डेट है. 30 तारीख थी और 6th month और लाइक 1931 के अंदर. सो इसके अंदर जाना अलाउड है बट इसके अंदर जा नहीं सकते, पता नहीं क्या है. बाहर बोल रहे थे कि जा सकते हैं बट यहाँ पर मना कर रहे हैं. बट ऐसा कुछ दिखता है भाई ये. और ये पूरा का पूरा नेवी के एरिया के अंदर आता है. नहीं नहीं अभी तो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने टेक ओवर कर दिया तो वही लोग मेंटेनेंस कर रहे हैं अभी. तो बोलते हैं अंदर का सीडी सब टूटा हुआ है, वो सिर्फ जो लोग ऊपर लाइट के लिए यूज करता है लोग, तो सिर्फ वो लाइट का मेंटेनेंस करने वाला लोग मतलब ऊपर चढ़ के जाके वो लोग काम करके आ जाता है बस. बाकी पब्लिक के लिए ना, फिर नेवी के लिए, वो लोग सब के लिए मना है. बस हम लोग इधर से बाहर से देख सकते हैं. तो भाई हम लोग बस यहाँ तक ही जा सकते हैं. अंदर से थोड़ा सा कुछ उसकी डैमेज है तो हम लोग जा नहीं सकते बिल्कुल ऊपर तक. तो अभी क्या करें, चलें फिर. बस हो गया ना. चलो थैंक यू. सो भाई चलो इतना ही घूमना था. अभी पोस्ट ऑफिस भी है इधर. पोस्ट ऑफिस के अंदर चलते हैं. और नॉर्थन मोस्ट पोस्ट. हाँ तो ये अलाउड, कोई बोल रहा है अलाउड है जाना, कोई मना कर रहा है, ये क्या सीन हुआ इसका? अंदर का सीढ़ी टूटा हुआ बोलते हैं ना. ये तो कह रहा था कि जा सकते हो. कहाँ पे ये कह नहीं रहा था? वो यही था. नहीं नहीं ये गार्ड वगैरह वो इतना ही है अंदर बस. अरे भाई साहब चेन्नई में अच्छा है लेकिन. चेन्नई में तो बिल्कुल ऊपर तक जा सकते हैं. ओके तो भाई अभी हम लोग जा रहे हैं जो यहाँ का नॉर्दर्न मोस्ट जो पोस्ट ऑफिस है उसको देखने के लिए. अभी यहाँ से बिल्कुल जस्ट पास में दिखा रहा था मैप के अंदर, तो 100 meters के आसपास. तो हमारे पीछे जितना था वो हमने लाइट हाउस का एरिया घुमा है और अभी हम लोग जा रहे हैं पोस्ट ऑफिस का एरिया देखने के लिए. और चिट्ठी डालेंगे. हैं यहाँ से चिट्ठी डालेंगे. हाँ चिट्ठी डाल दिए क्या? नॉर्दर्न पॉइंट शॉप आ गया क्या? हाँ ये आ गया. ये तो पॉइंट शॉप आ गई. सब कुछ नॉर्थ का हमको. ये पोस्ट ऑफिस वो आ गया. पोस्ट बॉक्स है. पोस्ट ऑफिस नहीं है. पोस्ट ऑफिस नहीं है, बॉक्स है. हाँ चलो ये भाई नॉर्दर्न पॉइंट की शॉप आ गई सबसे नॉर्थ में, जो पॉइंट में जो है जो नॉर्दर्न श्रीलंका के. और सीसीटीवी भी लगा हुआ है. हम इनकी वीडियो बना रहे हैं या हमारी वीडियो बना रहे हैं. और पोस्ट ऑफिस नहीं है, पोस्ट बॉक्स है यहाँ पर. मैं पोस्ट ऑफिस समझ रहा था. नहीं, नहीं, नहीं. है ना ये क्या है फिर? ये भी शॉप है शायद. शॉप है. हाँ सो भाई ये देखो. आहा नॉर्दर्न पॉइंट ऑफ श्रीलंका. वाह हम लोग भाई नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट पे तो है ही है, माइलस्टोन कवर कर ही रहे हैं. ये पोस्ट ऑफिस भी सबसे नॉर्दर्न है श्रीलंका का. अरे अलग लग रहा है यार भाई. इंडिया के अंदर भी मैं इतने चीज़ें नहीं देखी जितनी मैंने श्रीलंका के अंदर देख ली यार. अभी ऐसा लग रहा है कि यार पहले अपना देश भी घूम लेना चाहिए. फिर रिग्रेट होता है कि भाई अपना तो देश ही नहीं घूमा अच्छे से और दुनिया के दूसरे देश घूम रहे हैं. पॉइंट पेद्रो सिटी का नाम. ये भाई पोस्ट ऑफिस. पोस्ट ऑफिस निकल जाता है. पोस्ट बॉक्स. पोस्ट बॉक्स देख लीजिए नॉर्दर्न पॉइंट ऑफ श्रीलंका का कुछ ऐसा दिखता है. और इसके आगे कुछ नहीं है, जस्ट आपको क्या देखने को मिलेगा? समुद्र समुद्र समुद्र. वाह और एक बोट पड़ी हुई है जो कि यहाँ पर मच्छियाँ पकड़ते हैं. ओके अच्छा लगा भाई देख के. और एक ऐसा टावर है भाई ये, इसमें शायद से नेटवर्क आते होंगे बट मेरे फ़ोन में तो नेटवर्क ही नहीं आ रहे. अब हम लोग यहाँ से जाएंगे जो जगह है, जो लैंड एरिया है ना उसको देखने के लिए, जो कि सबसे नॉर्दर्न लैंड एरिया है उसको देखते हैं. ये तो हो गया जैसे कि 2-4 milestone हो गई. अब देखेंगे कि सबसे नॉर्दर्न मोस्ट बाउंड्री कौन सी है अपनी श्रीलंका की. तो यहाँ से ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर समझ लो आप. पाँच क्यों समझ लो यार, 3 किलोमीटर और जाना है. अब लिफ्ट देखेंगे मांग के. और यहाँ पर भाई ऐसे ना जैसे भी ऐसे जैसे ये मंदिर बने हैं तो थोड़ी दूर चलोगे तो वहाँ पर आपको चर्चेस देखने को मिलेंगे. और ऐसा भी भाई बहुत है यहाँ पर, चर्चेस वगैरह काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर. और ये दुकान है भाई, ऐसा कुछ चाय नहीं मिलेगी क्या? वही हो जो आप देख रहे हो यहाँ पर फिशेस वगैरह. इसकी एक प्रोसेस है ये. मैं पहले सोचता था कि इसको सुखाते क्यों है. इसको सुखाते इसलिए है क्योंकि इसको ऐसे अब जब आप सुखा दोगे तो इसको आप प्रिजर्व करके रख सकते हो काफ़ी मतलब टाइम तक. तो अगर जैसे इसको जैसे आप नदी से पकड़ के डायरेक्ट कहीं पर मार्केट में लेके जाओगे तो उसको प्रिजर्व करने के लिए बर्फ़ में लगाना पड़ेगा. बट इसको ऐसे अगर सुखा दिया एक टाइम पर तो ये भाई काफ़ी टाइम तक ये चलती रहती है. ऑलमोस्ट लाइक काफ़ी टाइम निकाल देती है ना, तो इसलिए ये आप लोग देखोगे तो सारा भाई ऐसे सुखा के डाला हुआ है, ऐसे काट काट के ऐसे सारा सुखा दिया है. और ऑलमोस्ट 7 दिन लगते हैं ना इसको सूखने के लिए.
7 दिन लगते हैं इसको सूखने के लिए, 7 दिन के बाद इसको आप लोग जितना मर्जी टाइम तक आप इसको रख सकते हो स्टोर करके। भाई ऑलमोस्ट लगभग 20 मिनट से हम लोग अभी चल ही रहे हैं और 3 किलोमीटर था अपने लाइट हाउस से जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है श्रीलंका का वहाँ तक, बट उसमें से अभी तक हम लोगों ने कितना चला होगा, 1 किलोमीटर चल लिया होगा। अभी भी ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर से ज़्यादा ही एरिया हमारा बचा हुआ है जो कि हमको चल के जाना है। यहाँ पर बस वगैरह भी नहीं चलती, नहीं तो हम लोग बस वगैरह ले लेते, चलती भी होगी तो टाइमिंग आइमिंग का हमको कुछ आइडिया नहीं है। लिफ्ट लेने के लिए भी ले लें, बाइक भी इक्का दुक्का ही आती है, हम 2 जाने हैं तो दिक्कत आती है, बैठेंगे कैसे फिर 2 जाने, क्या पता बैठा ले नहीं इनके। तो मालूम है आपको वो भी है, दो हेलमेट दोनों आगे पीछे जो भी बैठे हैं सबको हेलमेट चाहिए। बट चलो अभी पहुँचते हैं वहाँ पर, सीधा पहुँच के ही मिलता हूँ। और जैसा कि मैंने पहले दिन जाफना आया था तो उस दिन भाई ह्यूमिडिटी बहुत कम थी, अभी आप मेरे मुंह पे पसीना देखो कितना है, ये ह्यूमिडिटी इसलिए है भाई, कल आज से पहले मतलब कल तो इधर बारिश हुई थी, हल्की फुल्की बारिश हुई थी, ज़्यादा भी नहीं हुई थी। और उसके एक दिन और पहले जब हम लोग आराम फरमा रहे थे अपने हॉस्टल में बैठ के, उस दिन बहुत तेज़ बारिश हुई थी। फिर फाइनली 3.5 किलोमीटर की मशक्कत करने के बाद चल चल के पसीना निकल गया, अब हम पहुँचे हैं भाई नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट पर। ये आपको जस्ट एक मैप दिख रहा है, वो आपको मैप दिख रहा है, इसका देखो पूरा नाम ये है, सेकोताई केप इज द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ श्रीलंका। और यहाँ पर कोई है भी नहीं है, चलो हम लोग आपको दिखाते हैं भाई जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, जो नॉर्थ मोस्ट मतलब कि यहाँ पर ये यह श्रीलंका ख़त्म हो जाता है, इसके बाद सिर्फ समुद्र है, समुद्र के बाद जितना आप चलते जाओगे 1000 किलोमीटर दूर तो आपको जस्ट देखने को मिलेगा इंडिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट आपका शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर कुछ ऐसा बना हुआ है, इधर की साइड एक अपना फुटबॉल खेलने के लिए है, इधर एक ग्राउंड सा बना हुआ है। और ये भाई सामने देखोगे अगर आप तो ये श्रीलंका का इधर झंडा भी लगा है। पहले धीरे धीरे चलते हैं फिर आपको दिखाते हैं नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ श्रीलंका। भाई साहब इतना चलने के बाद यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ठंडा ठंडा लग रहा है, बिल्कुल समुद्र के बीच आ गए, यहाँ तो ध्यान आ सकते हैं अपन थोड़ा बहुत, चिप चिप हो जाएगी वही दिक्कत है, तो नहाना कैंसिल चढ़न। ये देखो भाई, ये भाई श्रीलंका का सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, सो ये इसका फ्लैग कुछ ऐसे लिखा हुआ है, श्लोक वगैरह जो भी है। और ये देखो भाई, ओके सो ये देखो ये जाफना का जो आपको मैप दिख रहा है, ये पेनिनसुला किसको कहते हैं, देखो ये जस्ट इतना सा पॉइंट है, कहाँ दिख रहा है ये रहा, ये जुड़ा हुआ है, बाकी ये सारा इंडियन ओशन लगून वाला एरिया है और ये सारा जाफना है ये जितना भी आपको दिख रहा है, तो इसलिए इसको पेनिनसुला भी बोल देते हैं, क्योंकि इधर भी इंडियन ओशन, इंडियन ओशन, इंडियन ओशन, इंडियन ओशन, तो कुछ ऐसा दिखता है। और अभी हम लोग देखो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट पर है, यहाँ पर इसके ऊपर कुछ नहीं है ना, जस्ट समुद्री समुद्र है ये देखो। यहाँ पर श्रीलंका होता है समाप्त, काफ़ी घूम लिया भाई श्रीलंका के अंदर, अभी यहाँ से बोट लेता हूँ मैं और तैर तैर के यहाँ तो कोशिश करता हूँ इंडिया पहुँचने की। ये देखो अच्छा इस साइड भी लगा हुआ है भाई झंडा, दोनों साइड ही है। अभी इसके साथ लेंगे 2-4 फोटो और इंस्टाग्राम पे फॉलो करो इधर की फोटोज वगैरह देखने के लिए। सो भाई अभी हम लोग चलते हैं समुद्र के अंदर और देखते हैं भाई यहाँ का एक्सपीरियंस, क्योंकि भाई बीच तो एक अलग चीज़ हो गई, ये भाई बीच जैसा है ही नहीं है, ये अलग ही सिस्टम है इसमें, देखो कितने सारे इधर पत्थर रखे हुए हैं और उधर से बीच शुरू है, बीच क्या यार समुद्र शुरू है। और हमने बैग अपने इधर रख दिए हैं और अभी अपन लोग चलते हैं भाई समुद्र के बीचों बीच। अभी हमने यहाँ पर फोटोज़ वगैरह भी काफ़ी खींची है और वो आपको इंस्टा पर मिलेगी जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं समुद्र के बीचों बीच। चलो ये आ गया भाई पानी, ये है गरम गरम पानी यहाँ पर, क्योंकि ये थोड़ा सा इधर की साइड फंसा हुआ है ये पानी। अरे भाई साहब कहाँ से जाऊँ मैं यहाँ से, थोड़ा बच जाऊँ क्योंकि ये बीच में ना गहरा गहरा भी है और साइड साइड में ठीक है, तो अभी मैं चलता हूँ वहाँ पर पहुँच के एंड पॉइंट पे बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेरे को थोड़ा केयरफुल, क्योंकि यहाँ पर केकड़े से भी बहुत हैं और पत्थर भी भाई काफ़ी ज़्यादा रखते हैं इधर उधर, तो मेरे को थोड़ा अंदाजे के हिसाब से लगा लगा के जाना है, मैं नहीं चाहता कि मेरे पैर पे कोई जख्म हो जाए और मेरे को श्रीलंका में कुछ दवाइयाँ लेनी पड़े। तो अब जैसे धीरे धीरे अंदर जाऊँगा तो मैं डूबता जाऊँगा ना, क्योंकि बीच में ये बहुत ज़्यादा गहरा है। और यहाँ पर वो भाई साहब खड़े हैं, वो थोड़ा सा अपर पार्ट है, देखो ये कितना ज़्यादा गहरा हो गया यहाँ पर। तो भाई कुछ ऐसा है भाई यहाँ पर समुद्र, अलग ही भाई, यहाँ से अब कहाँ जाऊँ मैं बताओ, अरे गया 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 भाई, नीचे बहुत तीखे तीखे पत्थर हैं जो कि चुभ रहे हैं। चलो चलो भाई अभी आपसे मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और भाई श्रीलंका के सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट से आपको बाय बाय टाटा।
जय हिंद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए